subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल थाणी सुपर कुकिंग शो में सब खैरियत सां हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज जेको असां ठाहींदा आहियूं शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु, वाइटमिन ए जी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल आहे, ओमेगा 3 मौजूदु आहे, बनस्पति घी तमामु बहितरीन, जंहिंमें मिठा ठहंदा आहिनि, हलवा वग़ैरह ठाहींदा आहियूं। त अॼु खां हलवनि जी रेसिपीज़ लास्ट वीक तव्हांखे 2 वीक असां ठाहिणु सेखारियूं। मच्छी जी काफ़ी सारी वैरायटी, पूरो वीक 2 वीक तक़रीबन 16 रेसिपी, मां 15 खां 16 रेसिपीज़ तव्हांखे मच्छी ठाहिणु सेखारियूं। त हाणे हलवा आहिनि, सूप्स आहिनि, डिफरेंट रेसिपीज़ ठाहींदासीं। मलका फूड असां सां गॾु आहे, मलका फूड में तमामु वसी रेंज आहे, जंहिंमें काफ़ी घर जा असां जेको मसाला यूज़ कंदा आहियूं मलका फूड जा, उन्हनि जी रेसिपीज़ आहिनि तमामु मज़ेदार। हुन में तव्हां ठाहे सघो था चिली गार्लिक सॉस आहे, टोमेटो केचअप आहे, जे पिंक सॉल्ट आहे, वाइट सॉल्ट आहे, जेको घर में असां लूणु यूज़ कंदा आहियूं। एनएक्स असां सां गॾु आहे, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर हैंड, बीटर हैंड, मिक्सर वग़ैरह हर शइ अवेलेबल आहे। उहे सभु शयूं असां घर में ज़रूरु हुजणु खपनि तव्हां वटि, ताकी तव्हां ईज़ीली कुकिंग करे सघो। त एनएक्स में अॼु बि असां मज़ेदार रेसिपी ठाहींदासीं, हुनजो चॉपर यूज़ कंदासीं, जंहिंमें गजरुनि खे असां एॾी महिनत सां कद्दूकश कंदा आहियूं, त उहो एनएक्स में असां एनएक्स जी मशीन में ठाहींदासीं। ऐं गजर जो हलवो ठहे पियो, मज़ेदार रेसिपी आहे, डिफरेंट क़िस्म जा गजर जा हलवा ठहंदा आहिनि, इनशाला कंटिन्यू रखंदासीं। कैपेचिनो, पहिरीं तव्हांखे मां कॉफ़ी ठाहिणु सेखारी, त हाणे कैपेचिनो आहे, हीअ बि कॉफ़ी जी हिकिड़ी नसल आहे। हिन तरीक़े जी काफ़ी सारी रेसिपीज़ तव्हां सां गॾु शेयर कंदासीं सियारे में इंजॉय करण लाइ। ऐं 12 वॻे रिपीट हलंदो, स्क्रीन ते नंबर हले पियो, का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे तव्हां पुछी सघो था। अॼु की जो रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, वाइटमिन ए यू डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति घी बेहतरीन, और मलका फूड हमारे साथ है, जिसमें रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर वगैरह काफ़ी सारे मसालों की रेंज है जो हम घर में यूज़ करते हैं, और इनकी रेसिपीज़ भी हैं मज़ेदार, आप ले सकते हैं। टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, उसके अलावा वाइट और पिंक सॉल्ट भी है। एनएक्स हमारे साथ हमेशा होता है, एनएक्स हर घर की ज़रूरत है, ख़ासकर किचन में ख़वातीन को कुकिंग के टाइम मशीनरी की ज़रूरत पड़ती, तो एनएक्स आप लें। एनएक्स में बहुत सारी वैरायटी है। और आज जो मैं बनाऊंगा गाजर का हलवा, उसको चॉपर में हम चॉप करेंगे, कद्दूकश करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, तो वो चॉपर में यूज़ करूंगा। और कल 12 बजे ये प्रोग्राम रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ से मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। कैपेचिनो बनाएंगे, सर्दियों की बहुत सारी वैरायटी, आपको चाय की बनाना सिखाई तो कॉफ़ी बनाई थी, कैपेचिनो भी कॉफ़ी की ही एक फैमिली है, तो ये रेसिपी कल सुबह रिपीट में भी देख सकते हैं। आज बनाऊंगा 2 पर्सन की सर्विंग से बनाऊंगा, तो आप उसको डबल कीजिएगा। किचन में हलंदासीं, रेसिपी कंदासीं स्टार्ट। अच्छा, गजर जो हलवो जेको असां ठाहींदासीं, 2 किलो गजरनि जे हिसाब सां ठाहींदासीं, सॉरी 2 किलो गजरनि जे हिसाब सां ठाहींदासीं। ऐं रेसिपी 3-4 क़िस्म जी ठहंदी आहे गजरनि जी, हिकु हूंदी आहे खीर में बॉयल कबा आहिनि, ॿी हूंदी आहे की ऑयल घी में बॉयल कंदा आहिनि, फ्राई करे हुनखे डिफरेंट तरीक़े सां ठाहींदा आहिनि, ऐं कुझु ठाहींदा आहिनि बिल्कुलु पीसिस करे। त हिनखे कश करण जो तरीक़ो पहिरीं सभिनी खां पहिरीं तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, हिकु त कद्दूकश असां कंदा आहियूं, जी खल बिल्कुलु साफ़ करे छॾिजो, वॉश करे छॾिजो। ऐं हिते मूं वटि आहे चॉपर, ठीकु आहे, एनएक्स जो चॉपर आहे, एनएक्स जे चॉपर में असां हिनखे चॉप कंदासीं। एनएक्स का चॉपर या आप लें ईज़ीली, घर में आप हर तरह की कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसमें कीमा भी बना सकते हैं, कबाब का मसाला है, बहुत सारे कोफ्तों का मसाला है, बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं। अच्छा, हिन में एक तो कटर होंगे, ऐसा लगाइंदा हूँ कटर, ठीक, एक हम कटर लगाते हैं, ठीक है, इससे हमने चॉपर में चलाना होता है कटर, ठीक है, ये चॉपर असांखे हलाइणो होंदो आहे, जंहिंमें असां मसालो आहे कबाब जो आहे को बि साग वग़ैरह पीसण लाइ, हे त हेठि हूंदो आहे, ठीकु आहे, हिकु मथां हूंदो आहे कटर, हे कटर कीअं हूंदो आहे, हिन में स्लाइसर बि आहे, ठीकु आहे, स्लाइसर हे तव्हां ॾिसी सघो था, स्लाइसर में चाहे तव्हां खीरो, बसर, टमाटो या का बि कटिंग करणु चाहियो भाॼी जी, उहो करे सघो था, ठीकु आहे। हिन पासे 2 हिनजा शेप ॾिनल आहिनि, हिकु पासे तव्हां स्लाइसर यूज़ करे सघो था, हिकु पासे तव्हांजो चॉपर साइड आहे, हे ॾिसो जीअं कद्दूकश करण लाइ हिनजा पीसिस ठहियल आहिनि, इहे आप देख सकते हैं, इसके 2 तरीक़े हैं, दोनों साइड से आप यूज़ कर सकते हैं, एक साइड करेंगे तो ये कटर है इसमें, ठीक है, 2 तरह का इसमें शेप आएगा, इसमें आप सैलड भी कटिंग कर सकते हैं स्लाइस में, इसमें आप वेजिटेबल भी कटिंग कर सकते हैं, आप पोटैटो भी कटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी साइड क्या है, कद्दूकश करने के लिए हम कोई भी सब्ज़ी को कश करते हैं, तो हम इतनी मेहनत से कद्दूकश कर रहे होते हैं हाथ से उसको सांचे को लेके, उससे बेस्ट ये है कि आप इसमें मशीन ये लेके रखें, और इसमें हम करेंगे गाजर, 2 किलो गाजर है मेरे पास, इसको सीधा लगाएं, अगर वो स्लाइसर लगाना है तो उल्टा करके लगाएं, ठीक है, इसको रखेंगे सेंटर में और इसको फिक्स करेंगे मशीन को, इनके मथा का फिक्स कंदासीं,
जेसि ताईं मां टक जी आवाज़ न अचे त हीअ न थींदी आहे फिक्स, ठीकु आहे। हे पोइ लूज़ हूंदी आहे, पोइ तव्हां परेशान न थीजो। ऐं हितां खां असां हिन में का बि शइ चॉप करणी हुजे कटर विझ कटर जे ज़रिए कंदासीं, हिन खे ऑन कंदासीं, ठीकु आहे। इसको स्लो बि आहे, हाई बि आहे, दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। मैं इसको हाई स्लो पे कर रहा हूँ। ठीकु आहे। ऐं हिन में जेके एक्स्ट्रा पीसिस आहिनि, ठीकु आहे, उहे पीसिस असां कढंदा वेंदासीं। इसके जो एक्स्ट्रा पीसिस आहिनि वो बता देता हूँ, यहाँ पे आके जमा होंगे, ये आप निकाल सकते हैं। इस तरह आपने पूरी गाजर को भी कर सकते हैं। अंदर ये मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी कटिंग ज़्यादा बारीक हो जाएगी। हमने बड़ी कटिंग करनी है तो ये अंदर का जो पीस है चॉपर का, ये निकाल देते हैं ब्लेड, ठीक है। इससे अगर बारीक कटिंग करनी है तो ये लगाएंगे, अगर मोटी कटिंग करनी है तो जस्ट इसको आपने सेट करके रखना है, ठीक है। सेट थी हो इनके अगेन बंद कंदासीं, सेट करें इसको मशीन को अच्छी तरह इसके ऊपर, और ये पूरा इसका सेट लगा के अब हमने गाजर इसमें डालना है। लो पे रखते हैं, ठीक है, इस तरह आपने लो पे इसको कटिंग करना है। ठीकु आहे, हे असांजी कटिंग थी वई, केतिरी जल्दी थी वई। अगरि तव्हां हथ सां कयो आहे, लूज़ करे हुनखे कश कयो आहे त काफ़ी टाइम लॻिया। हे फौरन फौरन हिन जी कटिंग थी वई। हिकु बॉल खणूं था, ठीकु आहे, फौरन आपने देखा इसकी कटिंग हो गई। एक बॉल लेते हैं और बॉल में हम इसे निकालना शुरू करेंगे। पहले इसको पलट के जो बड़े बड़े पीसेज हैं वो अलग कर दें, जो इसमें सेट नहीं हुए हैं, ठीक है। इसको आप क्लियर करें बॉल में। हिन तरीक़े सां ही मज़ेदार आराम सां गजरनि जो हलवो तव्हांजो ठही वेंदो। तव्हां काफ़ी सारी शयूं ठाहे सघो था, ज़रूरी न आहे कि सिर्फ़ु गजरनि जे हलवे लाइ आहे। हिन में पूरी बुकलेट मौजूदु आहे, तव्हां ॾिसी सघो था, इसकी बुकलेट है पूरी, वो आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं, वो पूरा आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। ये लेके आए हैं, फ़ौरन अपने घर में ला के रखें प्रोडक्ट। आप बहुत सारी एनएक्सी प्रोडक्ट हैं, काफ़ी सारी वैरायटी है जो आपके सामने मैं यूज़ करता रहता हूँ। ये ॾिसो सॼो प्यालो हिते तयारु थी वियो आहे, भरिजी वियो आहे। केॾी ज़बरदस्त कटिंग थी आहे, हीअ ॾेखारिजो, हीअ देखें, हीअ कटिंग देखें, बिल्कुलु कद्दूकश हुई हुई है जो गाजर की हम कटिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह ये कटिंग होगी। लौकी की कटिंग करना चाहें या आप सब्ज़ी कटिंग करना चाहते हैं चॉप करके, तो इस तरह की आपकी ये कटिंग होगी, ठीक है। ये हमारे हो गए तैयार गाजर 2 किलो। और हाँ असं इनके कंदी खीर खणंदी 1 लीटर, ठीक है। खीर गरम आए 1 लीटर, आने में गजरन के विझी छंदी। इसको हम दूध में पका रहे हैं, ठीक है। 1 लीटर दूध में 2 किलो गाजर पूरी इसमें डाल देंगे, और इसको आपने इतना पकाना है कि गाजर आपकी बिल्कुल गल जाए और दूध इसके अंदर बॉयल होकर बिल्कुल इसके अंदर मिक्सअप हो जाए, ठीक है। 1 लीटर काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लीटर आप दूध यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 किलो खीर यूज़ किया पे, अगर तुम चाहो तो 1.5 किलो भी कर सको, अदरवाइज ज़रूरत ना है। 1 ठंडो है खीर में बॉयल करें, 1 ठंडो है ऑयल में सॉरी घी में फ्राई करें, वो भी सुबाणे या परी ठाईंदासी शारजा बनस्पति घी सां गॾु। अब इसको मिक्स करते हैं पूरा, ये मिक्सचर इसका, और ये मशीन रखते हैं साइड में ताकि इसको वॉश करके, अच्छा मशीन जब आप यूज़ करें तो उसको वॉश करके बिल्कुल क्लीन करें कपड़े से या टिश्यू से, इसको ड्राई करके फिर आप बॉक्स में रखें। गीली मशीन कभी भी यूज़ ना रखा ना करें, क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। हमेशा क्लियर करें मशीन को, क्लियर करने के बाद उसको वॉश करें, वॉश करने के बाद उसको ड्राई करें, ड्राई करके फिर उसको बॉक्स में जिस तरह पैकिंग होती उस तरह रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, रफली छोड़ देते हैं, पड़ी होती हैं किचन में, फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। चीज़ों की कदर करें,
संभाल के रखें, बहुत अरसे तक आप इसको चला सकते हैं। इस तरह अब गाजरों को मिक्स करेंगे, ठीक है। हे टाइप ऑफ गजरन जो हलवो खीर इनमें बॉयल थे हलो तो गरम खीर में गजरों विझी छंदासी, एक किलो खीर में वध में और डेढ़ किलो खणी सको था, ठीक है। कटिंग ॾिसो केॾी सुठी थी वई आहे, एनएक्स जो असां चॉपर यूज़ कयो हिते, ठीक है। ये बिल्कुल जूलियन स्टाइल में हुई है। अगर बिल्कुल बारीक चॉप करना होगा, नीचे वाला भी कटर लगा दीजिए, जैसे पहले मैंने लगा के दिखाया कि उसमें दो तरीके के सेक्शन होंगे। नीचे वाला कटर लगाएंगे तो उसमें आपकी बारीक कटिंग होगी, साथ साथ ऊपर का चॉपर चलता रहेगा। जब ऊपर का चॉपर आपका अगर बारीक कटिंग नहीं मोटी चाहते हैं तो फिर नीचे वाला आपने निकाल देना है उसका, ठीक है। हे थी वियो हिन खे हाणे कवर कंदासीं ताकि गजरूं चङी तरह पची वञनि। अधु कलाकु लॻंदो गाजर को पकने में, ठीक है। गाजर को पकने में आधा घंटा लगेगा। अच्छा, इसमें चीनी जाएगी, चीनी हम 2 किलो में सवा कप से डेढ़ कप जितनी चीनी यूज़ करेंगे। और फीका खोया, यहाँ पे फीका खोया मेरे पास पड़ा हुआ है, फीका खोया हम 1 पाव यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 पाव खोया कर लीजिए, 1 पाव काफ़ी होता है। 2 किलो गाजरों का हलवा जब बन जाएगा वो ड्राई होकर कम हो जाएगा, ठीक है। बनस्पति घी हम शारजा का यूज़ करेंगे, यहाँ पे शारजा बनस्पति घी इसमें जाएगा, तकरीबन 1/4 कप जी। और ये हम करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अंडे में बॉयल करके रखे हुए अंडे इसके ऊपर हमने गार्निशिंग में ऊपर से रखने हैं। अगर आपको पसंद है तो आप रखें, नहीं पसंद तो ना रखें। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई, क्या हाल है? सही अल्लाह जो शुक्र है। केरे किथां गलायो पिया? सही जबीले मन तो गलाया शिकायतपुर मो। सही मां कश्मीरी चाय जेको आ गुलाबी रंग जी वटी पे आया से जी, कश्मीरी चाय तो आना से करी नहीं। हां हां वो असा खायो बे, असा को ठए कोने पी, हालांकि बाटिया ने गुलाब भी दो दे से, चार इलायची भी दे दे से और लौंग भी मिला दे से। वो बेओ शाह बतायो तो किए ना पे ठए, मतलब छा मसलो छा मसलो थे पे उनमें, तहांखे छा मसलो थे पे? कलर न पियो थिए सही, पिंक बर्फ जो पानी विझणो पईंदो ना कलर ॾियण लाइ? न वो पानी भी विधो सही, पतिया 4 चमचा जेको आ उहे विधा, शक्कर वो पत्ती वठी आया से, वरी पतिया रे विझो बाबा, ये तू कश्मीरी गुलाबी चांहि नहीं आ सा बी दे, वरी उन वो पारी पैकेट पे वठी आया से, सभी ट्राई कयो से, थदो पानी भी विधो से, बर्फ भी विधी से, तो भी सरो ग्रीन गुलाबी पिंक रंग न तो अचे। लेकिन हुनके ता फेटियो आए चंगी तरह, हुनके फेटणो भी आए थदो पानी विझी? मुझे गाल बुदो, सफा गुलाबी कलर कोन इंदो, जेको शरबत वारो कलर है, थोड़ो इन जो पिंक टी पिंक कलर इंदो, थोड़ो ब्राउनिश गुलाबी कलर इंदो है, बाकी उन जो जेतरी मेहनत कंदो एतरो कलर उन जो इंदो, ठीक है। वरी ट्राई कजो, वरी तांका ठई विंदी, ठीक है साईं? ओके जी। अच्छा ब्रेक ते वनु पिया, ठीक है। जेस ताईं मां गजरन के कवर करे छड्यो आ, ब्रेक पे अनु पिया, ठीक है। जेस ताईं गजर के सा कवर कयो आ, कवर करे सा हते रखियो आ है गजरन के, हे गरी विंदियो आई ब्रेक खा पोचिन रेसिपी के कंटिन्यू बनासी। दिल चाहे और क्या, शारजा शारजा बनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए एंड डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूदा बनस्पति घी जो इस्तेमाल मिठे में कबो था। अज भी गजरन जो हलवो ठहे पो, इतने मां इनके कवर कयो ए खीर में इनके पचायणो है, ठीक है। दूध में इसको पकाएंगे ताकि दूध में इसका फ्लेवर भी आ जाएगा गाजर का, साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में स्पून चलाते हुए इसको मिक्स करते रहें ताकि नीचे से गल जाए, ऊपर कच्ची ना रहे, इस तरह ना हो, ठीक है। चंगी तरह इनके मिक्स कंदा रहिंदासी विच विच में, हल्की बाहे ते इनके पचाइजो, तकरीबन 25-30 मिंट में गजर जडे पाण इनजो खीर सफ़ा खुश्क थियण लॻंदो, पोइ इनमें विझंदासीं शारजा बनस्पति घी। पोइ घी विझी इनखे भुञंदासीं ऐं हुन सां गॾु हिन में नंढा फोटा पाउडर वेंदो, इहे सभु शयूं विझंदासीं। मज़ेदार गजरनि जो हलवो ठहे पियो, फरमाइश बि हुई, ठीक है। ये हमारा पक रहा है। अब हम आते हैं कॉफ़ी का मिक्सचर बनाते हैं, जो कैपेचिनो होता है उसके लिए एक मिक्सचर बनता है, ठीक है। उसके मिक्सचर के लिए हमें एक बॉल चाहिए और यहाँ पे हमने बीटर लेना है, ठीक है, हैंड बीटर है भी। एनएक्स जो है केक्स ठाहिण लाइ, बेकिंग करण लाइ तमामु बहितरीन आहे। एनएक्स जो हैंड बीटर है तव्हां वठी सघो था, मार्केट में अवेलेबल आहे, वेबसाइट हिन जी तव्हां ॾिसी सघो था, ठीक आहे। हीअ आहे एनएक्स जो बीटर, ऐं हाणे हिन में असां छा विझंदासीं, यहाँ पे
हम एक मिक्सचर बनाते हैं जिसके लिए हमें पानी चाहिए। पानी हम कितना लेंगे, थोड़ा सा, पौना कप, ठीक है, पौना कप हम लेंगे पानी और पानी को करेंगे गरम। पानी गरम करना सी मुनो कप पानी, पौनो कप, चौथा, 1/4 कप, ठीक है। होनी क्वांटिटी में कॉफ़ी, होनी क्वांटिटी में खंड, इसी क्वांटिटी में कॉफ़ी, उसी क्वांटिटी में चीनी लेनी है। इसका एक मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर बना के रख लें आप। एक कप के हिसाब से 1 टेबल स्पून मिक्सचर आपने यूज़ करना है, फ्रिज में रख सकते हैं। कॉल बैठो तक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साईं, कह रहे हैं कितना गला है सर? कसम और रवाज से नमाज करा दो जी साईं। आज की वो से डाइट केक ले रहा है जी साईं, डाइट केक लाया। हां हां, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो मुझे याद है डाइट केक खाने बस बटे दिन में ठाइंदा सी छाकर तो मच्छिन जो वीक हलियो पे पूरा ब वीक ता हाने इंशाल्लाह मैं ठाइंद से खांदम, ठीक है साईं? मेहरबानी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये देखें, इसमें अभी भी दूध है, खीर इन अंदर आहे मौजूद, ठीक है। ये पचंदो रहो जडे ही गरी विंदो सफा गजर इन अंदर खीर जे अंदर पोहन जो ठाइंदा से मिक्सचर। हते मैं पानी खयो गरम, मुनो कप, पौना कप आपने पानी लेना है, बिल्कुल 1/4 कप होता है ना, इस तरह पानी ले लेना है। इसी में हमने इतनी क्वांटिटी में डाल देनी है कॉफ़ी और इसी में हमने डाल देनी है चीनी इतनी, ठीक है। और इसको हमने बीटर से बीट करना है, इनकी चंगी तरह बीट करना सी काफ़ी देर तई। अच्छी तरह इसको बीट करें, सब मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। हल्के इस पर करते, पहले मैं तेज़ कर दिया था, अब हल्का करके इसमें झाग बनती जाएगी। ये कॉफ़ी मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। कॉफ़ी मिक्सचर ठाइंदा सी इनके ठाइण का पो तां फ्रिज में रखी छो। काफ़ी देर तक इसको बीट करेंगे, ये फॉर्म बनेगा, फॉर्म बनने के बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगा। देखें अब ये कैसा हो रहा है, बिल्कुल थिक क्रीमी टेक्सचर आएगा, ठीक है। 5 मिनट तक इसको आपने बीट करना है। अगर ये मिक्सचर ना आए तो इस हाथ वाले मिक्सचर से भी कर सको तो, ठीक है। इसको 5 मिनट तक इतना करना है कि थिक क्रीमी मिक्सचर बन जाएगा। देखें पहले ये कैसा था और अभी बिल्कुल थिक हो गया, क्रीम बनती जा रही है, बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगा। फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, ये तकरीबन 3 हफ्ते तक आप यूज़ करते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। घुमाते रहें अच्छी तरह, ये फॉर्म बनता जा रहा है इसके अंदर, ये देखें ज़बरदस्त सी क्रीम सी बनती जा रही है। इनके 5 मिनट ताईं तांके बीट करना है चंगी तरह। उनका पो एकड़े प्याले में इनके लाए रखंदासी, प्याले में रखण का पो छातींदो जडे ता कॉफी ठाइंदो या कैपेचिनो ठाइंदो तो हनमा 1 टेबल स्पून फ्रिज में कढ़ी ता उनमें खीर भरी छजो। कॉल वठो ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, मुखे माता से फरमाइश कही न लगी, माए जी की सुन जी के चलवा न चलिया। छा जी फरमाइश कही भी माए जी की न दसी माता के दा जे के वो हलवाई में टोलियन वरी बुधाए जो नालो आई जी टिक्की में खाई जन बर्फी बर्फी जी जी ठीक है बर्फी मां नोट करे तो था इंशाल्लाह अगले टांग के चाहिए हो टांग के इंशाल्लाह जल्द खाएंगा की मुखे लगे तो एक 1.5 महीना 2 महीना पेरी मां बर्फी ठाई हुई तांगा थी सके तो मिक्स मिक्स थी वही जे मुझे पेज ते दिसी बैठो तांगे बर्फी जी बर रेसिपीज मिली इंदियो मेहरबानी पंजो ख्याल रखो ठीक है थैंक यू। इसको अभी स्टिल में मिक्स कर रहा हूँ ठीक है साथ साथ इसको ये ऑलरेडी चल रहे हैं इसके रोलर लेकिन फिर भी मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ ताकि अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर बने थिक होना चाहिए इसका टेक्सचर ठीक है थिक होना चाहिए। ये एनएक्स का आपने ले लेनी है प्रोडक्ट ये बहुत ही ईजी है बहुत सारी आप कॉफ़ी केक बनाएं या कोई भी मिक्सचर बनाएं तो इस तरह आप बनाते जाएं फ्रिज में रखने से ये थिक हो जाएगा मिक्सर। आज हम बना रहे हैं कैपेचिनो बड़ी ज़बरदस्त ये लोग पीते हैं बाहर मुल्कों में पी जाती है यहाँ भी मिल रही है इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं इसके कप आप घर में खुद बनाएं कितना इजी है और बहुत आराम से बन जाता है। ठीक है
इस तरह इसको घुमाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल फॉर्मिंग हो गया। हेडी सो हाँ जे मत्था ताली, ये देखें इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं किस तरह की क्रीम बन गई। ये इस तरह की क्रीम होनी चाहिए, ये देखें इस तरह की क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। ये आपने करना है, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं हो रहा मसला है तो फिर आप इससे करें। ये विस्क होती है जो हम जिससे मिक्सर करते हैं, दही को बीट करते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एनएक्स की जो मशीन है ये देखें आप 4 से 5 मिनट में ये क्रीम बना देती है, इसकी स्पीड होती है। और ये हैंड से जो आप इससे करेंगे तो इसमें आपको टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मिक्सचर तैयार, इसको भी एक बॉल में निकाल लेते हैं ताकि आप लोग इसका रिज़ल्ट देख सकें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे कैपेचिनो। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह जी शुक्र आदि कह रहे हैं, कितना गला पिया फराग अलाती फराग हैदराबाद का जी। कुछ चैन चाहिए दो तान को गम लिस्ट हो मेहरबानी। अच्छा तान प्रोग्राम पूरी से मिल सकना है। अच्छा चलो थैंक यू का फरमाइश है था जी। हाँ फरमाइश है तो अच्छा खान से करो लिमन जो है मिर्चन जो पानी जो अचार भी हाँ मुझे ठाणो है जी गजरन की ठहंदी है आई लीमन हाँ। जो साई मिर्चन जो अचार चाहो पे तो वो भी ठाई दिंदम तांके कुछ दिन में, ठीक है। ठीक है ठीक है बुधा जो ने भी एक बारी पहली बताई दम, ठीक है ठीक है ठीक है ओके चला। ये देखें इस तरह ये बीटर से पूरा बीट करके हमने ये मिक्सचर बना लिया, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं और ये मिक्सचर आपने फ्रिज में रख देना है 2 से 3 हफ्तों के लिए, जितना आप यूज़ करें उतने दिन तक आप फ्रिज में रख दें, ठीक है। ये कैपेचिनो ठंडी ज़बरदस्त हाँ जिला आए इनके भी टाइट चलूँ। और इसके बाद हम दूध गर्म करके और 1 कप में 1 टेबल स्पून जाएगा, इतना ये देखें इतना जाएगा, इस तरह भर के 1 कप में 1 टेबल स्पून डालेंगे क्रीमी बनेगा, ठीक है। और 2 टेबल स्पून 2 कप के लिए आप निकालेंगे, इस तरह आपको जितना अच्छा लगे आप, वरना कम से कम 1 टेबल स्पून आप इसमें डालेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा तैयार, इसको क्लियर करते हैं साइड से, ये रख देते हैं। गाजर डिसूं था चंगी तरह इनके मिक्स कंदा रहो हेठा मथा ताकि जगह गाजर है खीर में पचे पे सजी इक्वल थी बने, ठीक है। सारी गाजर इक्वल हो जाए, ये ना हो कि गाजर आपकी नीचे से गल जाए ऊपर वाली कच्ची रहे। मिक्स करते रहें और थोड़ा मैं चूल्हा तेज़ करके इसको ड्राई करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि इसको 30 मिनट में यहाँ पे गलाने के लिए रखूँ, रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा अच्छा। तो आप इसको इस तरह बनाएं। दूसरा गाजर का हलवा बनता है घी में भून के, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में बनाऊँगा। और बहुत सारी वैरायटी है गाजर की, इंशाल्लाह कंटिन्यू रखें। गाजर की बर्फ़ी है, गाजर के लड्डू हैं, इस तरह के कुछ वैरायटी हैं, गाजर की भुजिया बनती है और गाजर की काफ़ी सारी वैरायटी, अचार है गाजर का पानी वाला, वो भी इंशाल्लाह जल्द बनाएंगे, ठीक है। सीज़न अच्छे पे गजरों जो तेल वारो अचार भी ठाईंदासीं खटाण लीमन से गड आई ऑयल पानी वाली जो ठहंदी है खटाण वो भी ठाने सिखादा बाकी ठाईंदा हूँ घर में तो ठहे थी। इसको अब ड्राई करना है हमने, ठीक है। जब ये ड्राई होने लगेगा फिर इसमें बनस्पति घी डालेंगे। और अब जब तक ये फ्राई हो रहा है सॉरी बॉयल हो रहा है इलायची लेते हैं, ठीक है। फिर हम एनएक्स की प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, इसके लिए हमने लेना है ग्राइंडर, एनएक्स का ग्राइंडर। एनएक्स जी प्रोडक्ट वरी यूज़ किया था, एनएक्स जो ग्राइंडर नंडो जैमें हर तरह का मसाला तहाँ पीसे सकूँ था, ठीक है। एनएक्स का ग्राइंडर लेंगे, इसमें हर तरह के मसाले कोई भी चीज़ आपने पीसनी होती है या पीस लेंगे। इसमें इसमें हमने डाल दी है इलायची, कितनी ली है इलायची मैंने ली है 12 अदद, ठीक है। 12 अदद इलायची लेके इसमें डाली और इसको कर देंगे कवर। कवर करने के बाद इसको हमने ग्राइंडर में चला दिया। इसमें ऑप्शंस हैं 1, 2, ठीक है, 1 और 2। ये सेंटर करके दिखाएं, 1 और 2 बटन है। 1 है स्लो करने का, ठीक है, और 2 है इसको फास्ट करने का, ठीक है। ये 1 आए स्लो करने जो और 2 आए फास्ट करने जो।
ये हो गया। इसके जो इलायची का पाउडर बन गया बिल्कुल बारीक, ये हम इसमें ऐड करेंगे बाद में। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, गाजर, अब देखें चूल्हा तेज़ किया तो दूध इसका ड्राई होने शुरू हो गया, ठीक है। खीर हिंजो, फिर इसे चंगी तरह के मिक्स कंदासी, खीर हिंजो बॉयल थे पे हो, ठीक है। पूरा बॉयल होने के बाद इसको ड्राई करना है, अच्छी तरह दूध में ड्राई करना है। उसके बाद हम इसमें वनस्पति घी डालेंगे पौना कप, ठीक है। पौना कप हम लेंगे वनस्पति घी, यानी 70% एक कप का वनस्पति घी लेंगे। 8 खाने के चम्मच भी कर सकते हैं, ठीक है। 8 खाने जा चमचा वनस्पति घी में विझंदासीं, चाहे होता सचो घी भी तान में विझी सको था। जी, कॉल वठूँ था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदा फिजा चांदो विड्रॉ बात कर लिया ना जी। अदी को चैन चाहिए हो छा लेता जा जी। अदा अल्लाह का शुक्र है, ता ठीक है। अदा अल्लाह जो शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। जी अदा दा एक अब तो पेरी दा बुदायो तो जगे लड्डू बुदाया होया ना कणक जे अटे जा जी जी। अरे अदा वो आपा ठाई से रेसिपी लेकिन वो मना भूरी दा वन बार बार उन के ट्राई के से ठया को मुखा वही कुछ न हो। खंड ता पीसे विधि भी जी जी। खंड ही पीसे विधि जी दा बुदा जूसर मशीन में हां हां उन के कर के जे के वो बिल्कुल उन्हीं कर से लेकिन लास्ट में मो ठान पे चाय गोल तो असल में चाय जेका घी या मक्खन जी जेका क्वांटिटी है ना घी जी वो तां घट कई हुंदी तांगे माचो घी थोड़ो थोड़ो विझंदा वनो आई हाथ में थोड़ो उनके दबाए रिसंदा रहो जेस तई उनजी सेटिंग नथी भी हाथ में तेज तई ता उनमें घी विझंदा रह जो ठीक आ। ओ ता जो घी जी क्वांटिटी घट हुंदी त हन करे ता जी घी जी क्वांटिटी घट हुंदी हन करे ता का भुरजंदा वरी ठाए जो हाने ता घी जेको उनमें विझंदो ना वो जितरो तांगे मैं बुदायो होने हिसाब से थोड़ो थोड़ो करे विझंदा वनो उनके प्रेस कंदा वनो हाथ जे मथा खणी मुट्ठी में ताकि अंदाजो थी विंदो के लड्डू ठही सके तो सही हुन हिसाब से पोता ठाइंदो, ठीक आ। अच्छा, अदा में पेरी मतलब ठाए रखे आज इस जसियो पुछो जद हाणी मा उनन के फ्राई करे वापस ठाए सकांदी। फ्राई करे वापस मतलब हुनन के वापस अगेन जेके ठयल है ना ना हाणे ये कयो जेको टुटन पे उनके ये चूरी करे खाई वठो वरी लड्डू ठाइंदा ता नवा करे छडो, ठीक आ। अच्छा यादा ता जो गाजर जो हलवो पे ठाई है दार पी के जो लाइट को नहीं नहीं आ रही है लाइट, ठीक है। ता बस टीवी वट वनो मैं ब्रेक ते वना पर ब्रेक का पहुंचो पूरी रेसिपी ताके रिपीट कराए तो, ठीक है दी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ब्रेक ते वनो पिया जेस ता इन जो खीर सफा मुखे ड्राई करनो, ठीक है। दूध इसका मैं बिल्कुल ड्राई। चाहे और क्या शारजा, शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए एंड डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूद है वनस्पति घी। तमाम बेहतरीन वनस्पति घी हलवन में इस्तेमाल थिंदो है। त अज भी असा शारजा वनस्पति घी सा गड ठाइंदा सी गाजर जो हलवो। हते गाजर जो हलवो जेको तैयार थे पे रेसिपी पूरी रिपीट कराए तो इन के एनएक्स जे चॉपर में मां कश कया हुआ असा हथ सा कश कंदा एनएक्स जे चॉपर में इनके कश कया तो हथ सा भी करे सको था। 2 किलो गजरू खयूं उनके खले लाइन का पोन जो कद्दू कश करे छजो वो करण का पो उनके निपोड़े छजो हथ सा बिन हथन सा चंगू तरह निपोड़े छजो ताकि उनमें एक्सेस पानी हुजे वो निकरी वने पो 1-1.5 किलो खीर खणजो या 1.5 किलो भी खणी सको था। खीर में गजरू विझी मिक्स कजो हल्की बाहि ते पचण डिजो 1/2 कलाक ताईं हुन खां पो इनके विच विच में मिक्स कंदा रहजो चमचे सां ताकि हेठां हीअं न थिए कि गजरू कचूर पकल हुजनि मथां कची हुजे। जॾहिं तव्हां ॾिसंदो खीर हिते गरी वेंदो सॉरी खीर हिते खुश्क थी वेंदो ऐं गजरू खीर में गरी वेंदियूं त पोइ हिनजो चुल्हो तेज़ करे वठंदासीं, ठीकु आहे। यहाँ तक का प्रोसेस बता रहा हूँ। 2 किलो गाजर लिया, गाजर को आपने कद्दूकश किया छील के। कद्दूकश करने के बाद आपने उसको 2 किलो गाजर थी तो 1-1.5 किलो दूध में इसको हल्की आँच पर आपने बॉयल करना है, ठीक है। जब गाजर कवर करके गल जाएंगी
तो कवर हटा के फिर इसको मिक्स करते रहें। पहले कॉल लेते हैं, साथ साथ मैं स्पून चला रहा हूँ इसमें ताकि इसका दूध ड्राई होता रहे। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं देख रही हूँ आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा वीक रहा। थैंक यू। पिछली दफा और चाय तो वाह, क्या कहने चाय के आपके भाई, बादाम की जो चाय बनाई थी आपने? जी हाँ मैं बनाई। अच्छा चलें अच्छी बात है, डालूंगी मैं पिक्चर। अभी आप मसरूफ है, मैं भी थोड़ी सी मसरूफ चल रही थी, लेकिन मैंने प्रोग्राम आपके देखे फिश वगैरह के, बहुत अच्छा प्रोग्राम था आपका। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी बहुत अच्छी डिश है सर्दी के लिहाज से। हाँ सर्दियों के हलवे भी थोड़ा सा नजला हो रहा है। अच्छा मसाले वाली चाय बना के पिए या वो ग्रीन? नहीं मैंने वो पी थी अभी यखनी, तो उससे जरा सही हुआ है। चिकन हाँ, यखनी जो बनाते हैं ना येलो वाली ना, जिसमें हल्दी डालती है, बिल्कुल जबरदस्त चीज है। बहुत अच्छी होती है। और सब खैरियत है घर में? सब खैरियत, आपका सही चल रहा है काम वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, दुआएं आपकी बिल्कुल सही। पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम, मुलाकात। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। अच्छा अब ये देखिए, इसको मैं इस तरह स्पून से कुचल रहा हूँ, ठीक है? स्पून लेके इसको आप इस तरह जोर जोर से करते रहे, इससे क्या होगा गाजर के जो पीसेज है वो टूट भी जाएंगे और गल भी जाएंगे, ठीक है? इनके चमचे सा चंगी तरह ही हलाइंदा रहे जो, ठीक है? 2 किलो गाजर थी, 1 से 1.25 किलो या 1.5 किलो तक दूध ले लें, उसमें आपने गला लेना गाजरों को हल्की आंच पे कवर करके, बीच बीच में स्पून चलाते रहें। अब जब देखेंगे दूध इसका ड्राई होने लगा है, तो मैं इसमें स्पून इस तरह जोर कर बीच बीच में मारता जा रहा हूँ, इससे गाजर गलती जाएगी और अच्छी सी मिक्सअप हो जाएगी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और अभी जैसे आपने बताया था कि गाजर की इतनी सारी वैरायटीज बताई, हमने कहा वाह भाई क्या बात है। और गाजर का जैसे कि शलजम, शलजम का होता है पानी वाला, इसी तरह गाजर का होता है शलजम और गाजर का, जी जी अचार बनाएंगे जी जी। लेकिन उसके साथ साथ आपने इतनी सारी वैरायटीज बताई, बनाई में के बताया के अभी तो कुछ वो तो मैंने जल्दबाजी में बता दी, बहुत सारी वैरायटी है गाजरों की, इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे इसको ना बीच बीच में। ये है कि जिस तरह आप बता रहे तरह तो पूरा वीक बनाया जा सकता है, आप बोर ना हो जाए सब। बोर तो नहीं होंगे, सालन भी बनता है ना इसका? सालन भी बनता है और गोश्त के साथ भी बहुत मजे का बनता है ये। बहुत सारी जबरदस्त डिशेस बनती है, बीच बीच में बनाते रहिए इंशाल्लाह। वीक में दो रेसिपीज निकालता रहूंगा, गाजर की सीजन भी है ना जी जी। और फिर वो शलजम का भी बनाइएगा, शलजम का पानी वाला, वो शलजम और गाजर का और फूल गोभी इसमें डलती है, तो वो मैं एक साथ ही बना दूंगा। फिर जिन्होंने गाजर डालनी है गाजर डालें, शलजम जिनको पसंद है वो शलजम डालें, जो ना डालना चाहें वो एक ही बना दूंगा, ताकि सबके लिए ना वो एक तीर से तीन शिकार हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, थैंक यू। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इस तरह देखें, इसको मैं स्पून से कर रहा हूँ, इन्हीं तरीके से तुम चमचो हलांदे और जो इनमें कट लगंदा रहंदा, तो ही सुठी जी मार्केट में तुम गजरू वठंदा, गजर जो हलवो नंढे नंढे चूरे वांगर पीसियल हूँ सफ़ा होने तरीके से ही थी, ठीक है? चूल्हा तेज़ कर दिया। अब जब आप देखेंगे इसका दूध ड्राई हो रहा है, इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर, 12 से 15 इलायची ली, उसका पाउडर बना दिया और ये पूरा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है? इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी। पहले मैं डाल रहा हूँ 1/4 कप चीनी, अगर आपको कम लगे तो आप 1.5 कप कर लें, बहुत ज़्यादा बहुत लोग मीठा नहीं पसंद करते, ठीक है? खंड विधि। अच्छा गुड़ भी डलता है, बहुत से लोग गुड़ वाला भी बनाते हैं, अगर गुड़ डालना चाहें तो गुड़ की जो शक्कर होती है वो सेम क्वान्टिटी में आप डालेंगे, ठीक है? गुड़ वारो अगर ठाहिण चाहियो तो गुड़ जी जेका मिठाई मिलंदी आहे उहो बि विझी सघो था, हुनजो बि फ्लेवर ॾाढो सुठो ईंदो आहे, ठीकु आहे? उहो डिफरेंट हूंदो आहे, इनशाला उहो बि बनाऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि पिसा हुआ गुड़ जो मिलता है, गुड़ की जो शक्कर मिलती है वो आप डालें, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है इसमें, ठीक है? और ये मैं चीनी में डालूँ। जन्नतपुर जी कॉल लेते हैं, जन्नतपुर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर कोई खोए की जगह कुछ और नहीं डाल सकता जी गाजर के हलवे में, गाजर के हलवे में खोए की जगह कुछ और नहीं डाल सकता? बिल्कुल मेरी बहन डाल सकता है। आप ये आप जिस एरिया से बात कर रही हैं, कौन से सूबे में है ये? पंजाब में है, खानेवाल का गांव है जन्नतपुर। अच्छा खानेवाल का गांव है, ठीक है खानेवाल जी से। हाँ इसके अलावा आप मैं तरीका बता देता हूँ इसका, क्या है कि जब आप गाजर का हलवा बना देना, खोया नहीं है तो मिल्क पाउडर मिलता है ना, खुश्क दूध जो मिलता है वो डालेंगी, लेकिन चूल्हा बंद करके हलवे को थोड़ा सा मीडियम ठंडा हो जाए, मतलब गर्म भी रहे और बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो, ठीक है? असल में पता क्या, हम बाजार का ना तो खोया इस्तेमाल करते हैं ना दूध वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है?
तो हम जब भी हलवा बनाते हैं तो जैसे एक किलो गाजर है तो दो किलो दूध है ऐसे डाल के बनाते हैं। ठीक है, आप इस तरह बनाइएगा। लेकिन आपने क्या करना है, खोए के बगैर अगर बनाना है ना तो फिर आप चूल्हे से हटा दें, 15-20 मिनट छोड़ दें ताकि थोड़ा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, थोड़ा ठंडा होने लगे। फिर इसमें 1.5 कप जितना जो पाउडर होता है ना दूध खुश्क पाउडर, वो मिला दें इसके अंदर। लेकिन बहुत ज्यादा चम्मच नहीं चलाना, हल्का हल्का डालते जाए, मिलाते जाए, वो खोए का टेक्सचर देगा। फिर आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि वो आप मुझे खोए बनाने का तरीका बता देना ताकि मैं घर से तैयार कर सकूं। अच्छा, खोया बनाने का तरीका मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, मैं कोशिश करूंगा फिर यहाँ पे बनाना सिखा दूं। एक वो मुझे ना बादाम की चाय मिस हो गई थी, आप अगर वो रिपीट कर दें। मैं वो रिपीट करा देता हूँ, खोया मैं बनाना सिखा दूंगा बीच में। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इसको हमने ड्राई चीनी डाली है तो चीनी पानी छोड़ेगी, ठीक है, आपको लगेगा दोबारा नरम हो गया। चीनी अपना पानी छोड़ती, 1.25 कप मैंने डाल दी थी, थोड़ी मैं इसमें और डाल रहा हूँ, ठीक है। 1.25 कप भर के मीठा आपने चेक करना है, जैसे हम चम्मच से चेक करते हैं, मेरे ख्याल में 1.25 कप काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, ठीक है। अच्छा, खोया बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। पहले पिछले साल मैंने जब गाजर का हलवा बनाया था तो पहले मैंने खोया भी साथ ही बनाया था, लेकिन इस दफ़ा नहीं बनाया। मेरा पेज है कुकिंग विद शेफ फैसल फेसबुक पे, कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज है, उसको लाइक करें। वहाँ खोए की रेसिपी वैसे मिल जाएगी आपको, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें और आज मैं शेयर भी कर दूंगा ये गाजर के हलवे की रेसिपी और खोए की। तो और बादाम वाली चाय के लिए आपने लेना है 1 अदद दालचीनी ले लें, ठीक है। बादाम वाली चाय के लिए 1 अदद दालचीनी ले लें, छोटी इलायची ले लें, छोटी इलायचियाँ तोड़ के या छोटी इलायची का पाउडर बना के वो आपने 6 से 8 अदद डाल देनी है। दूध ले लेना है, जैसे 2 कप दूध ले लें या उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना चाहें तो मिला लें, ठीक है। 1 दालचीनी डाल दी, 1 बादियान का फूल अगर है तो डाल दें, अगर नहीं है तो उसके बगैर बन जाएगी। छोटी इलायची थोड़ी सी डाल दें इसके अंदर, ठीक है। उसको बॉयल आने दें, फिर पत्ती चाय की हम जैसे डालते हैं 1/2 टीस्पून या जितनी आपको पसंद हो पत्ती, आप उसके हिसाब से डालें। उसमें बॉयल आने दें, जब चाय हमारी पकेगी तो स्पून इस तरह चलाते रहें उसके अंदर ताकि चाय अच्छी सी पकना शुरू हो जाए। फिर क्या करेंगे, 2 कप का मैं बता रहा हूँ तो उसमें आपने 8 अदद बादाम या 10 अदद बादाम लेके पीस लेने, ग्राइंडर में पीस के इसका पाउडर बना दें, फिर कुछ बारीक वो पाउडर आप उसमें डाल दें। फिर उसको मज़ीद 5 मिनट तक पकाते रहें, बीट करते रहें ताकि इसके अंदर बादाम का फ्लेवर आ जाएगा। फिर उसको छान के आप यूज़ करें, बादाम वाली चाय तैयार हो जाएगी। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। अल्लाह जी शुक्र। टीवी जो वॉल्यूम बंद के चाहिए, लाइन ड्रॉप थी वी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी नहीं तो। जी बंद हो गया। जी जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई मैं अभी बात कर रही हूँ कठुआ से। जी जी, कुछ कहना चाहेंगी? जी आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, मैं आज आप जो भी बना रहे हैं बहुत बेहतरीन निकाल के आपको। ओके थैंक यू। कोई फरमाइश है आपकी, कुछ पूछना है? बिरयानी आपसे जी, बिरयानी आपके, कौन सी बिरयानी? हेलो जी जी, कौन सी मेरी बहन क्या कह रही, कौन सी बिरयानी? फिश बिरयानी। फिश बिरयानी तो मैं बना चुका हूँ, मेरे पेज पे देख लें, ठीक है। लास्ट वीक मैंने बनाई थी, आपसे शायद मिस हो गई है, ठीक है ना, मेरे पेज पे देख लीजिएगा, फेसबुक पे मेरा पेज। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह। पेज है मेरा कुकिंग विद शेफ फैसल, ठीक है, कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज है फेसबुक पे, आप वहाँ पे मेरी रेसिपीज देख सकती हैं। फेसबुक से कोई भी रेसिपी आपको चाहिए आज मुझे मैसेज करें, मैं आपको शेयर कर दूंगा। 2000 से ज़्यादा रेसिपीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, बहुत सारी, जितना रेसिपीज़ हैं मेरी सारी वहाँ पे अपलोड हुई हैं और लिखी हुई हैं, ठीक है, सारी हैंड से लिखी हुई हैं, आपको लिखी हुई मिल जाएगी लिखाई में। ये देखें यहाँ पे, अब इसमें चीनी का पानी खुश्क होने लगा, जब खंड जो पानी खुश्क थे लगे तो इनमें असं विझंदासीं शारजा बनस्पति घी। शारजा बनस्पति घी में कितना डालूंगा, इसमें 2 स्पून डाल रहा हूँ भर के, ये तकरीबन 8 से 10 खाने के चम्मच बन जाएगा, ठीक है। 8 से 10 खाने का चमचा शारजा बनस्पति घी विझंदासीं वधीक ना, ठीक है। शारजा बनस्पति घी 8 खाने के चम्मच डाल दें, बहुत है, अगर आपको कम लगे तो 10 खाने के चम्मच कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसको हमने घी में भूनना है 5 से 8 मिनट तक। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, छा हाल नदी के रहे किथां गलाओ पिया? हां नम छा हाल है ताजा? घणे अरसे खां पोइ आई आहे सिन टीवी तां? शायद रमज़ान में, मतलबु हाणे बिल्कुलु सही अचे पई।
सही है बिल्कुल। हेलो चलो ठीक है अभी अच्छा हाल घर में सब खैरियत था। हाँ अगर सब खैर लोग नानी पूरी टीम के सलाम यदा मुझे कुछ पूछना होगा। बिल्कुल बिल्कुल हुक्म करो। अच्छा जो पास स्मोक नहीं ना है ना कोयले जो बाटी क्यों में अच्छा वरी बुधाई जो हम छापे चाहो जी छाछे पूछ रही हूं वरी बुधाई जो बाटी जी जो पास स्मोक नहीं ना है ना। हां कोयले जो स्मोक हां हां ना उन्होंने जैसे डिफरेंट किस्म के जैसे जैसे सुनने जी मतलब कबाब क्या है बूटी थी या कोई अंगीठी के मथा कोयलन के मथा जब ठाईंदा वो भी एतरो ही टाइम रखे तो ना तो वही सेम जायको इंदो सेम स्मोक इंदो उनका को ओवर न थी 5 मिनट रखंदा क्यों घट में घट मतलब देखे डिफरेंट किस्म जो दा डिशेस है उनमें अगर जो सबनिन में तो होते तो नहीं सेम ही जाएंगे बस 5 मिनट सब सेम टाइम रखो सबनिन जो जी हां थैंक यू अलग जा अल्लाह हाफिज़ जी जी इंशाल्लाह कुछ पे लाइन ड्रॉप थी भाई कॉल कंदा रहे जो हमेशा ता रेगुलर कॉलर वा मुके ये भी वक्त याद है कि ताई सबनी का पेरी कॉल ता जी हुंदी हुई हमेशा डेली कंदा वा। अच्छा हते इनके इतरो भुंजणो है कि गजर जे हलवे जो कलर डार्क थन लगे ठीक है घी डाला शारजा वनस्पति घी डाला और इसको मैं इतना भूनूंगा कि चीनी का पानी भी ड्राई हो जाएगा और घी में ये हलवा इतना भूनना है तेज़ आंच पे नहीं भूनना है कि नीचे से पैंदा लगना शुरू हो जाए ठीक है मीडियम आंच रखिएगा और हलवा जब डार्क कलर में आएगा गाजर का कलर डार्क होगा बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है गाजर का हलवा डार्क होना शुरू हो जाएगा थोड़ा थिक होगा अभी ये पतला है क्योंकि घी है इसके अंदर ये पानी छोड़ रहा है अपना चीनी का गाजर का पानी अगेन जब घी में जाता है तो वो फिर हीट पर आके अपना पानी छोड़ता है गाजर ठीक है पहले जो इसके अंदर दूध का पानी था दूध था और फिर चीनी का पानी चला गया जब हीट पे गया तो फिर इसने पानी छोड़ना शुरू किया। इन चीज़ों को आप सोचा करें नोट किया करें इस तरह आप कुकिंग एक्सपर्ट बनेंगी टेम्परेचर और ये सब चीज़ें क्योंकि हमने भी जब ये सीखा था हमने पढ़ा है बाकायदा 4 साल का मैंने जब डिप्लोमा किया था इसमें एक एक चीज़ हमें मेजरमेंट टेम्परेचर एक एक चीज़ समझाते थे इस वजह से आपको ये चीज़ों का पता होगा तो आप अच्छी कुकिंग एक्सपर्ट बनेंगे ना आपकी कोई चीज़ जलेगी ना ख़राब होगी अच्छी तरह आप इसको भूनते रहें ठीक है अभी भी इसको भूनेंगे कलर इसका डार्क हो रहा है खुशबू आना शुरू हो गई है पानी अभी इसका ड्राई करेंगे जब बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा फिर हम इसमें क्या मिलाएंगे केवड़ा वाटर अरके गुलाब या केवड़ा वाटर एक खाने का चम्मच जाएगा ठीक है केवड़ा एसेंस है तो वो फिर 2 से 3 ड्रॉप या क्वार्टर टी स्पून डालिएगा वो छोटी बोतल वाला बहुत तेज़ होता है फिर वो ऐसा लगेगा अगर ज़्यादा डल गया आपको लगेगा कि आप अतर या परफ्यूम खा रहे हैं तो उसके अरोमा बहुत तेज़ होता है ठीक है वो बहुत कम डलता है जो लिक्विड फॉर्म में आता है वो ज़्यादा डलता है ठीक है केवड़ा एसेंस मिलंदो है नंडी शीशी में तो वो जो मिलबो है घाटो हों थोड़ो वो बिल्कुल घट विझबो है 2-3 ड्रॉप विझबा या 4 चाय जो चमचो केवड़ा वाटर या अरके गुलाब एक खाण जो चमचो विझबो है छाकाण था वो एडो घाटो हों एडो खुशबू एडी होंगी है नंढे वे में नंढी बोतल में कि विझ छो तुम खाई को सजे मुँह में अजीब सो टेस्ट अची वो परफ्यूम वागर इन करे वो सिर्फ जस्ट फ्लेवर देने ला हों खुशबू देने ला हों हाँ मैं इनके भुजा पे चंगी तरह ताकि इनको घी अलग थे लगे है ना घी जो अलग ना थे अच्छी तरह इसको भूनते रहें जब घी इसका अलग होने लगेगा तो फिर हम इसमें खोया मिलाएंगे। अच्छा खोया मेरे पास 1 पाव है फीका खोया खोया मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा मेरे पेज पे भी मौजूद है इसको हाथ से तोड़ लेते हैं 1 पाव खोया काफ़ी होता है क्योंकि खोए की क्वान्टिटी इतनी ही रखी जाती है। कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अल्लाह वालेकुम अस्सलाम जी दा आऊं कराची का गाना है पे को सर पर भी आना है जी यदि छा हाल इन ता जा हां अल्लाह जाय शान है दा काम दायो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं ता जो हां अदा मुके पूछन हो चावल खाइंदा है मीठा चावल जी यदि के ता गल्दो खाइंदा है जी यदि ओ जी बताई संदा मेहरबानी के लिए ठीक है जर्दो रंगीन वारो मुके ठाइणो है थोड़ो अगर ता वेट कंदो 1-2 हफ्ता ता मुके जर्दे जी फरमाइश आयल है त मैं जर्दो ठाइंदम ता पोता रिसीवर जो रंगीन वारो सही सही भले दा मा एक बारी पेरी अनाउंस कंदो है ना जी हर शे के ही ठाइणो ता ता रिसीवर जो ठीक है दी जी दा मेहरबानी थैंक यू बैंक अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ हाँ ही दिसो खुश्क थे लगो अब ये पहले गीला गीला सब पानी सा था इसमें ऑयल था सॉरी घी था चीनी का पानी था गाजर का पानी था अब ये ड्राई फॉर्म में खुद ब खुद जगह छोड़ना शुरू हो गया ठीक है अभी ड्राई होता जाएगा आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जिससे भुना हुआ हलवा मिलता है बिल्कुल वैसा हो जाएगा
और फिर इसके बाद हम इसमें खोया मिलाएंगे, लेकिन खोया मिलाने से पहले हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर एक खाने का चम्मच, ठीक है, केवड़ा वाटर या अरके गुलाब एक खाने जो चम्मच। अब फिर इसको भूनते रहें ताकि केवड़ा वाटर या अरके गुलाब की भी इसमें खुशबू आ जाए। अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो रहा है क्योंकि घी में अब इसकी भुनाई शुरू हो गई, पानी इसका ड्राई हो गया, दूध भी ड्राई हो गया, ठीक है, ना इनके भुजंदासी ताकि बिल्कुल परफेक्ट ही बने उनका पॉइंट जन्दा फिको माओ विजंदासी। अगर फिको माओ ना तो मिले वो कलाकंद भी मिलती है मिठाई वाले वो यूज़ कर सको था, ठीक है, फीका आपने मुझे बताया नहीं। तो मुझे बताते मैं सेकंड रेसिपी कैसे निकालूंगा। यार जी अच्छा खैर हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह। अब जब आप देखेंगे इसका पानी बिल्कुल ड्राई होगा तो इसमें हम खोया डालेंगे। अच्छा खोया पूरा नहीं जाएगा इसमें, आधा पाव खोया मैं मिक्स करूँगा, ठीक है, आधा पाव खोया इसमें डालूंगा, आधा पाव खोया हम ऊपर से हल्की आंच करके ताकि खोया इसमें जले ना। माओ फिको अधु पा इनके अंदर विझंदासीं ऐं अधु पा असां मथां टॉपिंग कंदासीं, ठीक है, आधा पाव खोया इसमें डाला और इसको करेंगे मिक्स। देखें ज़बरदस्त सा हलवा हमारा तैयार हो रहा है। अच्छा ये हीट से जब हटता है तब भी ये थोड़ा सख्त होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अभी ये नरम ही रहेगा क्योंकि चूल्हे पे है। इसके अंदर मैंने खोया मिलाना शुरू कर दिया, अच्छी तरह खोए को तोड़ते जाएं साथ साथ, जहाँ जहाँ गुठली सा आ रहा है बन रहा है तो वो हटाते जाएँ। माओ जो फिको विधो है उनके चंगी तरह मिक्स करजो, जितने वो पीसिस में अचे पे उनके स्पून सा खोलंदा वनजो ताकि इनके अंदर चंगी तरह फिको माओ असो मिक्स थी वे, ठीक है, थोड़ा और डालेंगे। करने के बाद इसको हमने डिश आउट करना है, अच्छी तरह फीका खोया इसके अंदर मिक्स हो गया। ये हो गया, इसको हम निकालेंगे डिश में, और डिश में निकालने के बाद फिर इसके ऊपर हमने लाने हैं ड्राई फ्रूट्स। चूल्हा बंद कर दें, इसको सेट करें, देखें कितना ज़बरदस्त, ये जितना ठंडा होगा उतना ये सेट होगा, ठीक है, जितरो ही थदो थिंदो एतरो ही सेट थिंदो विंदो। इन तरीके से गजरन जो हलवो इनके मथा विझंदा वेंदासी, काफ़ी सारा है, 2 किलो से अच्छा खासा बन गया, ठीक है, अगर एक अब मुझे नहीं पता, नहीं छोड़ दें बस, ठीक है, गाजर का हलवा डालें इस तरह, पूरा ही मैंने निकाल दिया। गाजर का हलवा निकालने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर टॉपिंग करनी है, ठीक है, गाजर का हलवा इसके ऊपर चला गया, इस तरह आपने डालना है ये पूरा करके, ये देखें इसके ऊपर टॉपिंग करें, ठीक है, माओ भी दो। अब इसके ऊपर डालेंगे चांदी का वर्क, अगर ऑप्शनल है, पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद तो ना डालें, ठीक है, चांदी जो वर्क भी जंदा से, चांदी का वर्क डालने के बाद ये बस इससे क्या होता है कि हलवे में खूबसूरती आ जाती है। अब ड्राई फ्रूट पिस्ता और बादाम हाफ कप जितना है, आप जितना डालना चाहें और जितना आपको अच्छा लगे, इसमें काजू वगैरह जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ठीक है, पिस्ता बादाम इसके ऊपर आ गया, ये हमारा हो गया गाजर का हलवा तैयार, गाजर जो हलवा सा तैयार किया, ठीक है, हाँ अचूँ था कैपीचिनो, कैपीचिनो चाहे बिल्कुल ज़बरदस्त थी। अच्छा इनके मथा ये भी विझंदासीं बॉयल अंडा, बॉयल अंडों से भी सजाया जाता है, तो बॉयल अंडे मेरे पास हैं, इस तरह आप इसके टॉपिंग पे, बॉयल सर्दियाँ हैं तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बॉयल अंडे वगैरह आराम से सी काटें, कटिंग करें, ठीक है, लंबाई में कर लें, गोल करके कटिंग करें। अच्छा कैपीचिनो के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है दूध 3 कप जितना, 2 कप जितना जितना आपको अच्छा लगे, ठीक है, दूध डाल दिया और इसको आने दें एक बॉयलिंग, खीर भी जी इनके बॉयलिंग चढ़ दो,
जेस ताई हलवे जी टॉपिंग कयो था ये हमारा हो गया गाजर का हलवा तैयार। कैपेचिनो के लिए हमने क्या किया लिया दोबारा बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 खाने के चम्मच आप चीनी ले लें, 6 खाने के चम्मच आप गरम पानी ले लें और 6 खाने के चम्मच आपने कॉफ़ी ले लेनी। इसको बीटर से अच्छी तरह बीट करें या हैंड बीटर से, बिल्कुल ऐसा क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए। देखिए फॉर्म बन गया। ये आप फ्रिज में रख दें, जब आपने बनानी कॉफ़ी बनानी है कैपेचिनो बनाना है सब में यह डाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसको चाय में भी विझी सको था, चाय ठाए उनमें एक खंड जो चमचो भी चलो मज़ेदार ही थी। ठीक है, ये मिक्सचर बना के आप फ्रिज में रख दें। ज़बरदस्त किस्म का ये मिक्सचर है और ये बना के आपने रख देना है। और यहाँ पे हमारा दूध बॉयल, और दूध में कोई चीनी वगैरह कोई चीज़ मैंने नहीं डाली है। ठीक है, कोई चीज़ नहीं डाली है दूध में, क्योंकि दूध हम डायरेक्ट कप में निकालेंगे। 2 कप्स लेते हैं। ठीक है, दूध जैसे बॉयल होगा अच्छा सा, इसका 1 टेबल स्पून भर के इस तरह, ये दिखाइएगा इस तरह भर के आपने पूरा 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, दूसरा कप लेते हैं, इसमें भी भर के 1 टेबल स्पून इस तरह ऊपर से थोड़ा सा मैं और डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून से, ताकि अच्छी सी फॉर्मिंग बनेगी। ठीक है, ठीक है, वो हैवी तो 1.5 खंड के चम्मच। ठीक है, ये डाल दिया। इसके बाद जैसे दूध हमारा गर्म होगा इसको हम मिक्स करेंगे टीस्पून से डाल के इसके अंदर, और एक छोटी बॉल लेते हैं जिसमें हम इसका कैपेचिनो बाकी जो है हमारा पूरा सॉस इसका भर के रख देते हैं। अच्छा सा बॉयल होने लगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिला के और अपने कप में मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा उसके ऊपर बीटिंग सी हो जाएगी। इसे देखिए अभी यहीं रखी था, चलूँ कर लूँ ये सुबह 12 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ समझो पेज है, उते रेसिपी अपलोड थी का भी रेसिपी समझ न अचे तो मुझे मैसेज करे उते पूछी सको था। ठीक है, जैसे दूध हमारा गर्म होने लगेगा दोनों कप्स में मिक्स कर डालेंगे दूध। इसका तरीक़ेकार यही होता है कैपेचिनो का। ठीक है, दूध अच्छा सा बॉयल हो गया, चूल्हा बंद कर दिया, पानी वगैरह नहीं मिलाएगा दूध में, ये इस तरह। ठीक है, कॉफ़ी बनानी है तो फिर आप दूध में इसको मिक्स करेंगे बीट करेंगे। ठीक है, गरम खीर, ये ॾाढी मज़े जी रेसिपी है, ॾाढी मज़े जी शइ है, तव्हां सियारे में ज़रूरु ठाहियो, तव्हांखे सुठी लॻंदी शइ। कॉफ़ी वांगुरु ई आहे, कॉफ़ी जी ही फैमिली आहे। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपेचिनो। इसको बाद में जब पीते वक्त आप फिर स्पून से मिक्स करें, जब आप निकालें तो सेम इसी तरह आपने निकालना है और कप्स में सर्व करना है। 7 टीस्पून रख दें, जिन्होंने पीना होगा वो खुद अपने हाथ से सेट करके इसको लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा गाजर का हलवा और ये हमारा हो गया कैपेचिनो। कैपेचिनो बिल्कुल कॉफ़ी की तरह होता है, आपको इस पर झाग नज़र आ रही होगी, शेड नज़र आ रहा होगा, जब आप इसको पियेंगे तो मिक्स करके फिर आपने इसको निकालना है। ठीक है, ऐसा जी जो कि रेसिपी सियारे जी ज़बरदस्त आई, काफ़ी सारी सियारे जी वैरायटी है जो तव्हां सां शेयर कंदे, बाकी जो मिक्सचर भी आहे हे भी रखी था छॾूं गॾु, ताकि तव्हांखे ख़बर पए कि छा सां हे ठहियो आहे। ठीक है, ये इसका मिक्सचर मैंने साथ रख दिया ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस चीज़ से बना है। कल 12 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ, ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पर, वहीं रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वहाँ पर तमाम बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। वहाँ अपना बहुत सा ख्याल रखें, कल की रेसिपी देखिएगा सर्दियों के हिसाब से मज़ेदार रेसिपी होगी इंशाल्लाह। ये पूरा वीक कमिंग वीक और पूरे दिसंबर जनवरी हम इसी तरह की रेसिपीज़ मज़ेदार सर्दियों की बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। कल आपसे मुलाकात होगी सुभाणे 12 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ, मुझे पेज है फेसबुक ते, रेसिपी अपलोड थी वेंदी, वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, उनके सब्सक्राइब कयो, बेल आइकन जो बटन दबाईंदो, इंशाल्लाह सुभाणे वरी मुलाकात थींदी नई रेसिपी सां गॾु। दुआउनि में हथ रखिजो था। Thank you.
हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असान जो YouTube चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।